अस्सलामु अलैकुम। नए साल की आमद आपको और आपके अहल खानों को मुबारक हो, और मेरी दुआ है कि आप अगले साल और ज़्यादा तरक्की करें, और ज़्यादा खुशहाल हों और ज़्यादा जिए। अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को एंजॉय करें। लाइफ इज़ जस्ट लाइक एन आइसक्रीम, टेस्ट इट बिफोर इट मेल्ट। तो टाइम है, ये गुजर ही रहा है। अब आप पीछे की तरफ जाएं तो आपको मतलब आपको ऐसा लगेगा कि लम्हे में ये टाइम गुजर गया। 2021, 2020, 19 ये कोविड के साल थे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक वो अगले साल इस बला से हम सबको निजात दे। मैं जो आज स्पेशल आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं। 2021 में बहुत से मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त, मेरे जो बहुत क्लोज थे, वो इस दुनिया से, इस दुनिया दार फानी को छोड़कर दार बका की तरफ चले गए। आपके, मेरे, हम सब के ताल्लुक वाले ऐसे बहुत से जवान जो हमारे एज के हैं, वो इसको इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, और यकीनन एक दिन हमने भी जाना है। तो बेसिक हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए आखरत की, उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं। यकीनी तौर पर दुनिया की साइड पे भी आना चाहिए, दुनिया में भी तरक्की करनी चाहिए इंसान को, लेकिन बेसिक टास्क हमारा जो वो आखरत होना चाहिए। 2021 में हमारे जंग में एक असिस्टेंट कमिश्नर का कत्ल हुआ। अब वो नया नया लगा था असिस्टेंट कमिश्नर, 3-4 साल हुए थे, और उसकी जो है वो आप सोचें कि वो कितना ब्राइट फ्यूचर था उसका आगे, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि कब किसका किस टाइम बुलाव आ जाए। तो बेसिक टास्क जो है वो आप अपनी आखरत को रखें, और जो इंसान दीन की साइड पे आ जाता है, अल्लाह पाक सबसे पहले उसको दुनिया अता फरमाता है। आज हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बेचैनियाँ हैं, आज हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो सुकून नहीं है बहुत सारे लोगों की। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो दिल है, हमारा जो जिस्म है, हमारे अंदर एक रूह है। तो हमारा जो जिस्म है ये मिट्टी का बना है, और हमारी जो रूह है वो आसमान की तरफ से आई है। तो अब हमारा जो जिस्म है, इसकी जो खुराक है मिट्टी का बना है, तो सारी की सारी खुराक मिट्टी से आती है। चाहे वो हमारे कपड़े हो गए, चाहे वो हमारे जो है वो खुराक होगी, कोई भी चीज़ जो हम अपने जिस्म पे, अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए, जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो मिट्टी से निकलती है, क्योंकि हमारा जिस्म मिट्टी का बना है। तो जबकि हमारी रूह है वो आसमान से आई है, तो उसकी खुराक भी कोई आसमानी चीज़ है, जैसे कि अल्लाह का कुरान, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह का दीन इस्लाम। तो जब हम क्या करते हैं, हम जिस्म को तो खूब पालते संवारते हैं, ताकतवर बनाते हैं, जबकि अपने जो है वो रूह है उसको खुराक नहीं देते, तो वो कमज़ोर हो जाती है। जब वो कमज़ोर होती है तो फिर वो रूह फड़फड़ाती है, और हमें बेचैनी और सुकून नसीब नहीं होता। तो जितने हम और मैं और आप जो है वो अपने जिस्म पे फोकस करते हैं, उतना ही हमें अपने जो है रूह को, रूह पे फोकस करना होगा, उसको उसकी खुराक देनी होगी। जब हम उसको उसकी खुराक देंगे जो कि आसमान से आती है, ये जो है ना मौसीकी रूह की गज़ा है, ये झूठ है, मौसीकी पद रू की गज़ा है, रू की गज़ा अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के नबी के अहकाम है, दीन है, शरीयत है। जब हम उसको वो खुराक देंगे तो डेफिनेटली जो है वो हमारी रूह मजबूत होगी, ताकतवर होगी, फिर वो उसको सुकून मिलेगा। तो यही मेरा पैगाम है, आप खुश रहें, अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ अदा करना है। कब, किस टाइम और किस का बुलावा आ जाए, अल्लाह करे हमें हमें अल्लाह पाक से मतलब मौत नहीं मांगनी चाहिए, हमें लंबी ज़िंदगी मांगनी चाहिए, लेकिन मौत को याद रखना चाहिए। तो एक छोटा सा वाक्य, और जब इंसान मरता है तो इंसान अल्लाह पाक से पहले सवाल ये करता है कि अल्लाह पाक इतना जल्दी मुझे मतलब कोई टाइम तो देते, कोई अल्टीमेटम, कोई मुझे पहले जो है वो बताते तो सही कि अब तुम्हारा टाइम आने वाला है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने तो आपको बताया था। बंदा बड़ा हैरान होता है, फिर अल्लाह पाक उसे याद करवाते हैं कि आपने जितने भी जनाजे पढ़े, जितने भी मैयत पे गए, जितने भी मतलब को कब्र में दफन किया, तो आपको हर हर लम्हे ख्याल आता था कि एक दिन ये मेरा टाइम आना है। तो बंदा कहता बिल्कुल आता था। तो कहता वही तो आपको मैं याद करवा रहा था।
इसके साथ ही अल्लाह पाक जो आपका अगला साल अब आ रहा है उसकी नए सिरे से प्लानिंग करें, दीन से दूर हैं तो दीन की तरफ आएँ। मेरा ये कहने का मकसद नहीं कि मैं मतलब कोशिश करें, हमें दीन जितना हम दुनिया में कामयाब होने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दीन में कामयाब होने की कोशिश करनी चाहिए। अस्सलाम।